में दुर्गा पूजा का एक अलग ही महत्व है। पूरे शहर में चारों तरफ भव्य पांडाल, पूजा की पवित्रता, रंगों की छटा, तेजस्वी चेहरों वाली देवियां, सिंदूर खिला, धनुची नाच जैसे नजारे आपको देखने को मिलते हैं। इसी पर देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण शासिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बंगाल में दुर्गा पूजा यानी माँ दुर्गा की घर वापसी। बंगाल में यह माना जाता है कि देवी दुर्गा का कैलाश पर्वत से अपने माता पिता के घर तक अवतरण है। माँ दुर्गा और गणेश, कार्तिका, सरस्वती और लक्ष्मी की झांकी देवी की पूर्ण अभिव्यक्ति को उजागर करती है। माँ को बुराई पर अच्छाई की जीत और शांति के लिए यहाँ पूजा जाता है। नवरात्र यानी देवी के 9 दिनों में भक्तजन माँ की आराधना के साथ साथ माँ दुर्गा के लिए सजे पंडालों में माँ के दर्शनों को जाते हैं, जहाँ न केवल माँ की आराधना करते हैं बल्कि वहाँ पारंपरिक व्यंजनों का अपने प्रियजनों के साथ लुत्फ भी उठाते हैं। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार राक्षस दुर्गमासुर का संहार करने वाली देवी दुर्गा है। दुर्गा का अर्थ दुर्गम भी है, जिसे केवल आध्यात्मिकता के माध्यम से ही पाया जा सकता है। एक और मान्यता है कि प्राचीन राजाओं द्वारा अपने किलों के रक्षक या शत्रु के दुर्ग रूप में दुर्गा की पूजा की जाती थी। 17वीं और 18वीं शताब्दी में दुर्गा पूजा को पश्चिम बंगाल के कुलीनों या जमींदारों का पारिवारिक त्यौहार माना जाता था, लेकिन अब दुर्गा पूजा को न केवल देश बल्कि दुनिया भर में पारंपरिक विरासत के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल के हुगली में गुप्ती पारा में सामुदायिक पूजा भी उसी समय शुरू हुई। यहां तक कि इस भव्य उत्सव को आयोजित करने के लिए धन इकट्ठा करने की पारंपरिक दान पद्धति भी तभी से शुरू हुई। बंगाल में दुर्गा पूजा एक ऐसा पर्व है जो जाति और धर्म के विभाजन से परे है। वहाँ यह पर्व केवल और केवल आपसी मिलन और नारी शक्ति को समर्पित एक त्योहार है। दुर्गा पूजा एक ऐसा पर्व है जो कला और वास्तुकला को फलने फूलने के लिए एक मंच तैयार करता है। इस सांस्कृतिक उत्सव के दौरान छोटे और बड़े व्यवसाय, पर्यटन को भी फलने फूलने का मौका मिलता है। मान्यता है कि दशमी माँ दुर्गा के विसर्जन का दिन है। जैसे ही बेटी अपने ससुराल वापस जाने के लिए तैयार होती है, सिंदूर में सराबोर चेहरे बुराई पर खुशी की जीत का संकेत देते हैं। माँ के भक्त अपनी माँ को दुर्गेतिना शिनी यानी परम समस्या समाधानकर्ता के रूप में पूजते हैं और माँ को बेटी की तरह बड़े भाव से गाजे बाजे के साथ विदा करते हैं। विविधता में एकता जो दुनिया में भारत की पहचान है, साल 2021 में यूनेस्को ने कोलकाता की दुर्गा पूजा को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात क्रिकेट की, आईसीसी